चलिए नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। वाराणसी में भाजपा राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रजिस्ट्री विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। मंत्री ने रजिस्ट्री विभाग में लोगों की परेशानियों को जाना और विभागों की कमियों को जल्द ही दूर करने का आश्वासन दिया। मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ जिला अधिकारी सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चल रही है, खोजबीन जारी है। आज के डेट में इसको खोज कर क्या बोलती है मत और कांड उड़ाइए। चंदौली देखिए, ये तो फिर बेहतर है। हाँ, थोड़ा सा और एडवांस ले लेंगे। सर सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है, ज़्यादा डैमेज हुआ सिविल कोर्ट वाले रिकॉर्ड में हमारे। और एक सीलिंग है वो 68 के बयानों को धुआंधार रजिस्टर वो करते हैं दाखिल खारिज, नायब तहसीलदार सीलिंग। और उनका भी बहुत बड़ा, आज हमने डीएम साहब से मिलकर के उनके खिलाफ एप्लीकेशन, रिटायरमेंट होने वाला है उससे पहले उसके साथ आप कुछ बढ़िया बढ़िया सबूत दे दो। वो तो खाली टीए वाला है, बहुत काम कर रहा है, वो तो टीए वाला है। एक टीए वाले मैटर में आप चार्जशीट नहीं इशू कर पाएंगे किसी को, है ना, कि भाई टीए की पेंडेंसी के दौरान क्यों डिसीजन देते हैं। लेकिन बाकी अगर जो पुराने बयानों पर उसने वो किया है, दाखिल खारिज की है बिना थोरो इन्वेस्टिगेशन के, तो उसको लेके बना देते हैं। नहीं, वो सब हम बना रहे हैं सर, है बोल लेते हैं। आज हम डीएम साहब से मिले थे, डीएम साहब ने हमको आश्वासन भी दिया जी। और एक्शन लिफ्ट के लिए बनारस के सब रजिस्ट्रार यानी कचहरी में जहाँ रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प पंजीयन के विभाग में आता है जिसका मैं मंत्री हूँ। आज मैंने इसका निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण में कौन कौन अब्सेंट है, कौन टाइम से है कि नहीं टाइम से है, यहाँ के लोगों को दिक्कत क्या होती है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का एक कहना है कि रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ पर प्रदेश का सबसे अधिक रेवेन्यू वाला तीसरा विभाग है, ये यहाँ पर लोग रेवेन्यू देने आते हैं, वहाँ की सुविधाएँ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि खुद आदमी रेवेन्यू देने आता है तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने माननीय मोदी योगी के निर्देश में यहाँ आया, निरीक्षण किया और यहाँ देखा कि थर्ड फ्लोर पर और सेकेंड फ्लोर पर रजिस्ट्री होती है। थर्ड और सेकेंड पर जाने के लिए बुजुर्ग होते होंगे, महिलाएँ होती होंगी, तो यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था तत्काल नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पर तत्कालिक रूप से जो रजिस्ट्रार अरे आईजी और एआईजी और डीआईजी का जो ऑफिस है, जो इनका न्यायालय है, ये ऊपर चला जाएगा थर्ड और सेकेंड पर, और थर्ड और सेकेंड की रजिस्ट्री अब नीचे होगी एक हफ्ता के अंदर। उनसे बुज़ुर्गों को महिलाओं को कष्ट नहीं होगा। बाकी यहाँ लिफ्ट हम लगवाएंगे, चूँकि लिफ्ट लगते लगते लगना छः महीना भी किसी को कष्ट न होने पावे, एक हफ्ता के अंदर शिफ्टिंग होगी। बाकी रिकॉर्ड रूम में क्या पाया गया? रिकॉर्ड रूम में कुछ मिसिंग बताया गया है, यहाँ जो बाहर के लोगों ने है बताया, तो उस पर हमने कहा है डीएम से जांच कराया जाए और जो भी इसमें दोषी है उन पर एफ आई आर हो।